हाय गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं जो भी छात्र डीडी यूनिवर्सिटी गोरखपुर से है उनके लिए लेके आए हैं जो 2022 में आने वाले मोस्ट मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपको कौन कौन से पढ़ना है। अब यहां देखिए बात करने वाले हैं बीएससी सेकेंडरी वालों के लिए। जूलॉजी का फर्स्ट पेपर है। अब फर्स्ट पेपर फिजिकल केमिस्ट्री हो जाएगा और फिजिकल केमिस्ट्री में आपको क्या क्या पढ़ना है याद रखना। पहले हम मोस्ट मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों की बात करेंगे जो आप सबसे ज्यादा याद करके जाएंगे, मतलब रट के जाएंगे। उसके बाद हम देखेंगे, देखिए हम इसमें जो केमिस्ट्री का फर्स्ट पेपर है और इसके नाम आप फिजिकल केमिस्ट्री हो जाता है, तो जो भी छात्र का पेपर अभी हाल ही में होने वाला है तो उनके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे पहले हम वो मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की बात करेंगे जो आपके पेपर के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब पेपर में छपेंगे समझ लो। और उनके बाद कुछ मोस्ट जैसे कम इंपोर्टेंट रहेंगे, मतलब कि आपको उन क्वेश्चनों को पढ़ के जाना होगा। पढ़ के चले जाओगे तो ये है कि यदि क्वेश्चन गलती से भी आ जाता है तो आप उस क्वेश्चन को बना बना के कर दोगे। मेरा मकसद ये है और मेरा कहने का भी तात्पर्य ये है कि कोई भी क्वेश्चन यदि आता है तो आप उस क्वेश्चन को छोड़ के ना आए, मतलब कि यदि आपको याद है तो भी आप अच्छे से करके आए, जो याद है, जो याद नहीं है उसको थोड़ा सा उसके आधार पर बना के चले आए। कॉपी को छोड़कर खाली नहीं आना है क्योंकि यही सबसे आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। देखो यदि कॉपी में आपका लिखा होगा ना तो आपको वहां एक दो नंबर जरूर मिलेगा, लिखा ही नहीं है तो कहां से नंबर दे देगा यार, सोचो। तो वो चीज आपको पकड़नी है। तो सबसे पहले आप पहले क्वेश्चन को टिक लगा लेना, मोस्ट इंपोर्टेंट रहेगा। जो हेज के नियम है, हेज के नियम को आप पढ़ के जाएंगे, मोस्ट इंपोर्टेंट है। बाकी मैं सबसे पहले मोस्ट मोस्ट की बात करूंगा। जूल थॉमसन गुणांक के बारे में आप याद करके जाएंगे, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। नर्स्टन का वितरण नियम को याद करके जाएंगे, ठीक है। और उसके बाद में नर्स्टन का जो वितरण नियम है उसको, और उसके बाद में कोलराउस का नियम को आप याद करके जाएंगे, ये क्वेश्चन पर टिक लगाएंगे। ये मोस्ट मोस्ट इंपोर्टेंट पर भी टिक लगवा रहा हूं आपको। और हिटार्थ विधि याद रखना, आपसे पूछता है कि ट्रांसपोर्ट नंबर का ज्ञात करने के लिए आपको हिटार्थ विधि से ज्ञात करना होता है ट्रांसपोर्ट नंबर। पहले आपसे ये पूछ सकता है कि ट्रांसपोर्ट नंबर होता क्या है। ट्रांसपोर्ट नंबर को अभिगलनांक भी बोलते हैं और इसको हिटार्थ विधि से ज्ञात करने के लिए बोलता है। आप इस क्वेश्चन को अच्छी तरीके से याद कर लेना, मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद में आपको नीचे जाना है और नीचे आपसे पूछता है कि विद्युत अपघटनीय सेल कौन से होते हैं, इसके बारे में पूछ लेगा। ये फिर ग्लोबिन कह सकते हैं जो ग्लेविनिक सेल होता है, ग्लेविनिक सेल के बारे में आपसे पूछ लेता है। और वहीं आपको हेनरी का नियम आपको पढ़ लेना है, उसकी सीमाओं को याद कर लेना है। और ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट रहेगा कि आपसे पूछता है प्रवस्था नियम की व्याख्या करने के लिए, ठीक है, कि प्रवस्था नियम की व्याख्या कीजिए। आप ये देखेंगे प्रवस्था नियम की व्याख्या करने के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट रहेगा। वहीं निडार्स के बिलियन दाब सिद्धांत के बारे में आप देख लेंगे, ये भी निडार, देखो जो निडट्स है, ठीक है, तो निडट्स के बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप बार बार एग्जाम में बनते हैं, आप इसको अच्छे तरीके से पढ़ के जाना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। एक आपसे पूछ लेता है कि एक मानक इलेक्ट्रोड होता है और दूसरा होता है रिडॉक्स इलेक्ट्रोड, तो रिडॉक्स इलेक्ट्रोड आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट रहेगा, रिडॉक्स इलेक्ट्रोड को आप याद करके जाइए। वहीं ऊष्मा गतिकी के प्रथम नियम, द्वितीय नियम और तृतीय नियम, तीनों नियमों को आप पढ़ के जाएंगे। ऊष्मा गतिकी के तीनों नियम को आप पढ़ के जाएंगे, मोस्ट इंपोर्टेंट है। किरचॉफ की समीकरण को आप पढ़ के जाएंगे, ये मोस्ट इंपोर्टेंट रहेगा। वहीं आपको मुक्त ऊर्जा किसे कहते हैं, मुक्त ऊर्जा आप पढ़ के जाएंगे फिनी एनर्जी को, और विशिष्ट चालकता को आप पढ़ के जाएंगे, ठीक है। और ऑस्टवाल्ड का तनुता का नियम आप पढ़ के जाएंगे, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। वहीं आपसे बात की जाए पीएच मान ज्ञात करने के लिए, पीएच मान क्या होता है उस पर मोस्ट इंपोर्टेंट रहेगा। गिब्स हेलहोल्म्स की समीकरण जो है उसको आप पढ़ के जाएंगे, और आप जाएंगे बाकी यहां छोड़ देंगे। कभी आपसे पूछ लेता है संकृत बिंदु या टेम्परेचर, बिंदु को टेम्परेचर भी के नाम से जानते हैं, तो ये आप पूछ लेता। और वन हावर साइकिल यदि आपके बुक नोट्स गेस्ट पेपर में है तो आप इसको पढ़ के जाइएगा, वरना छोड़ दीजिएगा। और आपसे ये क्वेश्चन प्रतिरोधी बिलियन किसे कहते हैं, प्रतिरोधी बिलियन को आप याद करके जाएंगे। और व्यवस्था का नियम मैं ऊपर बता चुका हूं, ये क्वेश्चन यहां देख लेंगे, ठीक है। और हो सके तो लासदलिए का सिद्धांत को आप पढ़ लेना यदि आपके गैस पेपर नोट्स बुक में हो तो, ये बस इतने क्वेश्चन आप पढ़ के जाइए। संलक्षण सिद्धांत यदि आपके बुक में नोट्स में है तो आप पढ़ लेना, एक बार पढ़ के आ जाओ चले जाओगे तो आपको ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा और आप इस क्वेश्चन को बड़े आराम से कर दोगे। एक क्वेश्चन ये है द्रव द्रव संगत आपसे पूछ लेता है, संगम विभव,
ठीक है, तो द्रव्यव संगंध विभव है, ठीक है, आप इस क्वेश्चन को देख लेना, ठीक है, एक बार पढ़ के जाना। और सक्रिय ऊर्जा क्या होती है, सक्रिय ऊर्जा आपके गैस पेपर में हो तो पढ़ लेना, वरना इसको छोड़ देना, लेकिन होगी आपके क्वेश्चन बैंक में जो मार्केट से लेके आए हैं। तो आप बस इतना क्वेश्चन पढ़ना है, बाकी यहाँ कुछ और एक्स्ट्रा देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक क्वेश्चन यदि हो तो कार्नेट चक्र को पढ़ लेना, कार्नेट चक्र क्या होता है, वरना छोड़ देना है, इसको है तो पढ़ेंगे, ठीक है, यदि आपके नोट्स वगैरह पेपर में है तो पढ़ लेना, ठीक है। और देखो क्लोसी या कैलिपिरॉल जो समीकरण है तो इसको आप पढ़ेंगे, ठीक है, ये आपको 2022 में मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं, बस इतना क्वेश्चन आपको पढ़ के जाना है। इसके अलावा आपको कुछ और देखने को जरूरत नहीं पड़ेगी। ये फिजिकल केमिस्ट्री का पेपर था जो मैंने आपको प्रॉपर तरीके से बताया कि आपको इतना क्वेश्चन पढ़ने के बाद में आप 85% प्लस लाएंगे, मतलब कि टॉप करने वाले हो। यदि आपको टॉप करना है ना तो देखो यार मेहनत तो करनी पड़ेगी, याद रखना, पास होना है तो कम नंबर, कम मतलब कि कम क्वेश्चन कराओगे तो भी पास हो जाओगे, लेकिन आपको टॉप करना है, ठीक है, तो थोड़ा सा मेहनत करिए, अच्छे से क्वेश्चन करके आइए। कोई भी दिक्कत है तो कमेंट सेक्शन में आप बता देना, मैं उसके ऊपर वीडियो बना दूंगा यदि आपको कोई समस्या आ रही है, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर देना, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, बाय बाय।